गुड इवनिंग और सभी को नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हमारा जो कर्मा है वो हमारी सफरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हाउ आर कर्मा इज द कॉज ऑफ आर सफरिंग। हमने ये टॉपिक इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि हम कहीं ना कहीं खुद को सही करना चाहते हैं, इसलिए हम ट्रूथ जर्नी पे तो आ जाते हैं, पर हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हम सही क्यों नहीं हो पा रहे हैं। तो आज आप सब लोगों को बहुत सारी रियलिटीज, बहुत सारे सच पता चलेंगे जो कि बहुत जरूरी है हमें जानना कि हम क्या कर रहे हैं और हम सफर क्यों कर रहे हैं। व्हाई आर वी सफरिंग? बिकॉज वी आर नॉट बॉर्न टू सफर। हम सफर करने के लिए या दवाइयाँ खाने के लिए या बीमार होने के लिए या दुखी और स्ट्रेस्ड होने के लिए हमने इस प्लैनेट पर जन्म नहीं लिया था। हमने खुश रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए और अच्छे से इस जीवन पर एक दूसरे का साथ समय बिताने के लिए जन्म लिया है। तो क्यों आजकल हर जगह इतनी सारी बीमारियां, इतनी सारी सफरिंग, अनहैप्पीनेस, डिससैटिस्फैक्शन, ये सब क्यों इतना कॉमन है? क्यों सब दुखी हैं? क्यों सब बीमार हैं? क्या आज कोई भी ऐसा घर है जिसमें दवाइयां नहीं है? मुश्किल है, बहुत मुश्किल। तो ये सारे सवाल हमें अपने आप से करने चाहिए। तो क्या हम इस पृथ्वी पर आए हैं, हम बीमार होने के लिए आए हैं? आर वी बॉर्न टू लिव अ सिक लाइफ? व्हाट डू यू ऑल थिंक? यू कैन कमेंट इन द चैट बॉक्स, यस और नो। व्हाई आर वी लिविंग टू सफर एंड डाई? क्या हम सिर्फ और मर जाने के लिए आए हैं या कुछ पर्पस है हमारा? तो अभी हम ये सोचते हैं और मैं एक छोटी सी क्लिप दिखाने वाली हूँ जो मूवी मेरे हिसाब से सबने देखी होगी, पर आज आप इस मूवी को थोड़ा इस तरह से देखिए और कि आप अपने जीवन को उससे रिलेट करिए कि हम क्या क्या कर रहे हैं। हम सिर्फ कुछ भी फॉलो कर रहे हैं, किसी को भी फॉलो करने लग जा रहे हैं और कुछ भी करने लग रहे हैं। तो इस मूवी की क्लिप्स को आप देखिए, समझिए और अपने जीवन से, अपने अभी तक जो आपके साथ हुआ है, जो चीजें सफर की हैं, उससे रिलेट करने की कोशिश करिए हो सके। ओके, तो पहले हम देखते हैं कि हमने इसमें जो भी देखा तो वो कितनी अनरियल चीजें हैं जो हम करते आ रहे हैं। मतलब हम एक तरफ भगवान को खुश कर रहे हैं, हम उनकी पूजा कर रहे हैं और हम उसमें ऐसी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि जिनके पीछे क्रुएलिटी है, या हम ऐसी चीजें खा रहे हैं, हम फास्टिंग कर रहे हैं उसके बाद हम किस तरह की चीजें खा रहे हैं जिनके पीछे हत्या की गई है, और हमने सब कुछ सारी तरह की कोशिशें कर ली हैं, लेकिन फिर भी इस पूरी दुनिया में आप अपने आसपास देखोगे तो आपको गिने चुने कुछ ही लोग होंगे जो कि सच में खुश दिखेंगे, सच में उनके अंदर हैप्पीनेस आपको दिखेगी, या डिजीज फ्री होंगे, उनको कोई बीमारी नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। हम इतने सारे आडंबरों में फंसते हैं, एक तरह से पूरी जिंदगी ही हम हिपोक्रेसी के जैसे जीते हैं कि हम एक तरफ फास्ट करते हैं, फिर शाम को जब फास्ट खोला जाता है तो ऐसी चीज को खा रहे हैं जिसको मार करके बनाया गया है। तो ये पूरा अननेचुरल वर्ड है। यहाँ पर हम किसी भी रिलीजन को चोट नहीं पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन हमें रीथिंक करने की जरूरत है कि हम जो कर रहे हैं क्या वो नेसेसरी है, क्या वो रियल है, क्या वो प्रकृति के नियम के अकॉर्डिंग है या नहीं है। जब रिलीजन से, एक तरफ हम रिलीजन को अपना
वो बना करके चलते हैं कि नहीं ये रिलीजियसली हमें करना पड़ता है या हमें करना है, हमें तो करना ही होगा, हमें सही होना है, तो हम उसका सहारा लेते हैं अपने गलत कर्मों के लिए, उसका सहारा लेते हैं कि कोई बात नहीं, हम एक तरफ पाप करेंगे दिन में, पाप कर दिन में, सुबह हम पूजा करेंगे दिन में हम पाप कर लेंगे। जैसे कि वो अपने बेटे को खुद मना कर रहा था खाने के लिए, लेकिन वो अपने होटल में वो चीज बनवा रहा है ना, तो उसने क्या बोला कि काम धंधा अलग है और ये अलग है, तो ऐसा नहीं है, सब कुछ एक ही है। आपको काम भी ऐसा करना है, एक्ट हम क्या कर रहे हैं, थिंक हम क्या कर रहे हैं, खा हम क्या रहे हैं, ये सारी चीजों का असर होता है हमारी लाइफ पे। और उसके बाद अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिलीजनली इन चीजों में बिलीव नहीं करते हैं, वो साइंस का सहारा लेते हैं कि साइंस है, साइंस बहुत एडवांस्ड है, राइट, कि क्यों साइंस इतनी डेवलप हो गई, क्यों हमारे लिए दवाइयां बनाई गई, क्यों अप्लायंसेस बनाए गए। अक्सर जब मैं मीटिंग लेती हूँ तो लोग उनसे पूछते हैं तो हम इतना डेवलप्ड क्यों हो गए और ये सारी चीजें क्यों आ गई हमारे पास। तो आप कभी उस चीज को सोचो कि साइंस क्या वो सच में वो साइंस है, या वो साइंस है तो वो एडवांस तो है बट वो हमारे साथ कर क्या रही है, क्या वो सच में हमारी हेल्प कर रही है या हमें नुकसान पहुंचा रही है। जैसे कि आज सबके घर में कोई ना कोई आर्टिफिशियल वाटर प्योरीफायर है जिसकी हमें आवश्यकता ही नहीं, जो यहाँ पर हमारे साथ फ्रूट्स खा रहे हैं वो इस चीज को समझ भी चुके हैं और बहुत सारे लोगों ने छोड़ भी दिया है और कितने अच्छे से ठीक हो रहे हैं। तो हमें तो आवश्यकता ही नहीं है ना, अनावश्यक साइंटिफिक इन्वेंशन या एडवांसमेंट है ये जिसमें हम रह रहे हैं। फिर जो हम अननेचुरल कुकिंग अप्लायंसेस यूज कर रहे हैं, कुकिंग की नीड नहीं है, नेचर तो नहीं कह रहा है कि आप कुकिंग करो, नेचर आपको कुक करके दे रहा है, आपकी प्रॉब्लम वो सॉल्व ही करता जा रहा है, लेकिन आप खुद वो जो उन प्रॉब्लम्स में फंसे रहना चाहते हैं। तो ऐसा क्यों है, क्यों हम फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं हमारा कर्मा है जो हमें, बैड कर्मा है जो हमें पीछे खींचता रहता है, इसीलिए हम फंसे रहते हैं। फिर हम हर चीज कंट्रोल कर लेते हैं, हम खाने भी बहुत सात्विक चीजें लगते हैं लेकिन हम क्लेंजिंग के लिए टूथपेस्ट, शैम्पू, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स ब्यूटी के लिए यूज करते हैं। व्हाट इज ब्यूटी, बाहर से ब्यूटी या अंदर से हमारा मन साफ और अच्छा होना चाहिए। हमें अंदर से अच्छा होना, बाहर से जो हम ब्यूटी प्रोडक्ट यूज करते हैं उन पे भी एनिमल क्रुएलिटी होती है क्योंकि वो सारे प्रोडक्ट एनिमल्स पर टेस्ट किए जाते हैं और वो हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं, हमारे लिए भी हार्मफुल है, एनिमल्स के लिए भी हार्मफुल है, नेचर के लिए भी हार्मफुल है। सो साइंस हैज एडवांस्ड बट व्हाट इट हैज डन इज इट इज टेकिंग यू अवे फ्रॉम द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर। आपको जो नेचर के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उससे वो दूर ही लेकर के जा रहे हैं, पास नहीं लेकर के जा रहे। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है, हमें खुद से क्वेश्चन करना चाहिए या जो साइंटिफिक इन्वेंशन कर रहा है या जहां से आप दवाइयां खरीदते हो वहां जाके आप क्वेश्चन करो, इज इट रियल साइंस दैट वी आर फॉलोइंग, क्या है ये रियल साइंस, ये सही साइंस है, ऐसी साइंस जो दवाइयां बढ़ा रही है, हम दवाइयां ले रहे हैं, टेक्नोलॉजी तो बढ़ रही है उसके साथ साथ डिजीजेस भी बढ़ रही हैं और सफरिंग भी बढ़ रही हैं। अगर ये साइंस रियली होती तो दवाई लेकर के लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं, क्यों हमें जिंदगी भर कोई सप्लीमेंट लेना पड़ रहा है, एक बार सप्लीमेंट लेके क्यों नहीं हम ठीक हो जा रहे। वी हैव टू थिंक कि हम इस रियल साइंस, ये है ही नहीं, दिस इज अनरियलिस्टिक, इट इज अगेंस्ट द नेचर्स लॉ, अगेंस्ट द लॉज ऑफ नेचर एंड लॉज ऑफ कर्म। तो व्हाई नथिंग इज वर्किंग, रिलीजियसली भी हम सब कुछ कर रहे हैं, हम फास्टिंग कर रहे हैं, हम दूध चढ़ा रहे हैं, हम घी के दीपक जला रहे हैं, हम रोजे रख रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर उसका सहारा नहीं मिल रहा है, तो हम साइंस टेक्नोलॉजी भी यूज कर रहे हैं बट क्यों कुछ भी काम नहीं कर रहा है, क्यों हमें जो हमारे माइंड में एक पीसफुलनेस महसूस होनी चाहिए या जो हमें
डिजीज फ्री लाइफ, हेल्दी लाइफ, हैप्पी लाइफ जीनी चाहिए, स्ट्रेस फ्री हम होने चाहिए। हम क्यों नहीं ऐसे हो पा रहे हैं? क्यों हमें लड़ना झगड़ना पड़ रहा है? क्यों हमारे अंदर इतना अहंकार है, अहम है कि अगर कोई कुछ बोल रहा है तो हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, हम वापस लड़ रहे हैं। ये सारी चीजें क्यों है हमारे अंदर? इसका रीजन है हमारे पास बैड कर्मा, जिसका हमें प्रकृति ईश्वर हर बार मौका देता है कि हम उसको सुधारें, लेकिन हम ध्यान ही नहीं देते। हम सोचते हैं ठीक है ये हो रहा है, तो हम उसको रिलेट ही नहीं कर पाते कि नहीं ये हमारा कर्म है। ये सारा स्ट्रेस कहाँ से आ रहा है? क्यों हम इतना बर्डन फील कर रहे हैं? सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बाद भी अगर आज आपसे कहे कि एक दिन आप बिना मोबाइल के रहो, तो आप सोचोगे कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, आप उस चीज के पीछे हो। या हमारे पास वर्क का प्रेशर है, क्यों प्रेशर है? व्हाई वी हैव गॉट प्रेशर? व्हाई डू वी हैव टू सर्च फॉर हैप्पीनेस? सब लोग आज खुशी ढूंढ रहे हैं किसी ना किसी चीज में। कोई वेकेशन में खुशी ढूंढ रहा है, कोई दोस्त में खुशी ढूंढ रहा है, कोई फूड में, नॉनवेज फूड में खुशी ढूंढ रहा है, राइट? कोई किसी को कुछ बोल करके खुशी ढूंढ रहा है कि हाँ मैंने उसकी बेइज्जती कर ली, अब मुझे अच्छा लग रहा है। ऐसा क्यों है? ये सारे थॉट्स क्यों हमें आ रहे हैं? चाहे ह्यूमन बीइंग हो, कोई किसी जानवर को परेशान करके भी खुश हो रहा है। लोग बलि देते हैं और बहुत खुश होते हैं। लोग शादी करते हैं, उसमें यूज करते हैं एनिमल्स का। और ये सारी चीजें क्या, तो क्या ये सारी चीजें नेचुरल हैं? कुछ भी ये नेचुरल नहीं है हम जो कर रहे हैं। हमें फिर से रीथिंक, अगेन एंड अगेन वी हैव टू रीथिंक। अगर हम एक महीना भी अपने जीवन का बिता रहे हैं, या मैं कहूंगी एक दिन भी बिता रहे, तो उस दिन आपने क्या किया, ये आपको रीथिंक करना चाहिए। क्या सब कुछ सही किया? कोई क्रुएलिटी वाला काम तो नहीं किया? बहुत बड़ी चीज है। वाई, हमने बोला ना, वेयर, कहाँ से आ रहा है? हम क्यों डिप्रेस्ड हैं? क्यों ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं? बिकॉज देयर इज अ लॉ ऑफ कर्मा। ईच एंड एवरी एक्शन जेनरेट अ फोर्स ऑफ एनर्जी। हम जो भी एक्शन कर रहे हैं, हर उस एक्शन में एक एनर्जी जनरेशन होती है। अब अगर आप अच्छी चीजें, अच्छे एक्शंस चूज करोगे, और एक्शन एक बहुत बड़ा वर्ड है, इसको हम एक बहुत वाइड टर्म में सोचें कि हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, ये सब कुछ एक्शंस हैं। अगर हम अच्छे एक्शन सेलेक्ट करते हैं, सच एक्शन, सच्चाई पर किए गए एक्शन, तो वो हमेशा आपके पास हैप्पीनेस और सक्सेस लाएगा, आपके पास भी और आपके आसपास के लोगों के पास भी। द फ्रूट ऑफ अवर कर्म इज हैप्पीनेस एंड सक्सेस। तो हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमारे पास हैप्पीनेस और सक्सेस अपने आप आएगी। आपको स्ट्रेस नहीं होना पड़ेगा, आपको बर्डन नहीं फील करना पड़ेगा। लेकिन हम सब ये जानते हैं, सबने ऐसी बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, सारी कोट्स पढ़ी हैं, हम रोज पढ़ते हैं, अपने स्टेटस में भी लगाते हैं, लेकिन अपने लाइफ में कितना इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं, ये हम खुद जानते हैं। तो लॉ ऑफ कर्मा है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है? हम क्रुएलिटी में इन्वॉल्व हैं। वी आर टेकिंग अ लाइफ फॉर फूड। सो टेकिंग अ लाइफ फॉर फूड इज नॉट नेचुरल एंड इट्स नॉट ह्यूमन। किसी की लाइफ लेने का अधिकार प्रकृति हमको नहीं देती है। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि हम एक बहुत एडवांस्ड स्पीशीज हैं, इसलिए हम दूसरी स्पीशीज को कुछ भी कर सकते हैं, उनको पाल सकते हैं, उनको एज अ पेट यूज कर सकते हैं, उनको हम मार के खा सकते हैं, और वो हमारा राइट है, हम ये समझते हैं, हमने उसको राइट बना लिया, लेकिन ये गलत है।
हम इन्वॉल्व हैं क्रुएलिटी में, और फिर कर्मा अपना काम करना शुरू करता है। कर्मा आपको दिखाता है रियलिटी। आप परेशान रहते हो, आपके घर वाले आपकी बात नहीं सुनते हैं, आपको फ्रूट्स नहीं खाने देते हैं, है ना। अब एक तो नॉनवेज की बात आ गई, जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उन्हीं को लोग बहुत बुरा मानते हैं, लेकिन जो गाय की चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, गाय के प्रोडक्ट का, बच्चे अपने बच्चों को दूध पिला रहे हैं, घी खिला रहे हैं, खुद भी खा रहे हैं, पनीर दही, कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत बड़े बड़े भाषण देते हैं, वो कहते हैं दूध मत पियो वो नुकसान करेगा, लेकिन दही खा लो, तो क्या ये सही है? क्रुएलिटी तो आप तब भी कर रहे हो। सो वी हैव टू थिंक दैट दे आर सफरिंग बिकॉज ऑफ यू। आपको एक कप चाय चाहिए इसलिए किसी गाय को मारा मारा जा रहा है, उसके बच्चे को उसका दूध नहीं दिया जा रहा। तो हाउ कैन आवर लाइव्स एवर बी जॉयफुल इफ वी कीप ड्रिंकिंग द मिल्क व्हिच इज मेंट फॉर बेबी काव्स। अगर कोई दूध किसी बछड़े के लिए बना है वो आप खुद यूज कर ले रहे हो, कैसे आप हेल्दी रह सकते हो किसी एक बेजुबान जानवर का हक उससे छीन करके? लोग आज अपना बर्थडे मनाते हैं, पार्टी करते हैं, राइट, जाते हैं, कॉफी टी हॉट कोकोआ मिल्क शेक कोल्ड कॉफी, ये सब ट्रेंड माना जाता है, ये सब फैशन माना जाता है। हम समझना ही नहीं चाहते, हम उस वर्ड से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। रियलिटी इज हार्श, राइट, बट वी हैव टू सम पॉइंट ऑफ देयर लाइफ हम सबको बदलना होगा। सबके लिए वो दिन आएगा जब आपको, जब जब जिसको जिसको ज्यादा मुसीबतें आती हैं, जब ऐसी बड़ी बीमारी आ जाती है, तब लोग जागते हैं। क्यों हम बीमारी का वेट करें बदलने के लिए? हम छोटी छोटी चीजों को ही वॉच कर सकते हैं और उससे ही हम सीख सकते हैं। तो प्राणी चाहे जितना भी छोटा हो, हाउ सो एवर अ स्मॉल अ क्रिएचर इज, बट इट हैज इमोशंस, इट हैज लाइफ, इट हैज फीलिंग्स, एंड इट हैज अ राइट टू लिव, एंड वी डोंट हैव अ राइट टू किल। हमारे पास मारने का अधिकार नहीं है, किल करने का अधिकार नहीं है, चाहे जितना छोटा से छोटा क्रिएचर हो। बहुत से लोग मुझसे सुबह पूछते हैं कि शहद तो पानी में डाल के लेना बहुत हेल्दी होता है, बहुत सारे डाइटिशियंस बताते हैं, आप कैसी डाइटिशियन है जो नहीं बताती है, मना कर रही है? तो आप उसके पीछे का कारण सोचो ना, कोई ऐसी चीज जो कोई भी प्राणी अपने लिए बना रहा है, उसकी एक लाइफ है उसके साथ, वो आप कैसे छीन सकते हो और आपको वो कैसे फायदा करेगी? आपके लिए वो बनी नहीं है, प्रकृति ने नहीं बनाया है आपके लिए। कब समझेंगे हम ये? कितना टाइम और लगेगा? हम कहते हैं, हम बोलते हैं फल खाओ, तो लोग कहते हैं फलों में पेस्टिसाइड्स हैं, है ना। आप तो एक जान लेकर के कुछ खा रहे हो और पी रहे हो। तो वी नीड टू थिंक, वी हैव टू सेव ऑल द एनिमल्स, वी मस्ट हैव पैशन कंपैशन फॉर ऑल द स्पीशीज ऑन दिस अर्थ। वी आर ओनली अ पार्ट ऑफ स्पीशीज। कहाँ नहीं है, आप सोचो, आप देखो, अभी आप रिलेट कर पा रहे होगे, हर जगह आप क्रुएलिटी में इन्वॉल्व हो और आप चुप हो, आप बोल भी नहीं रहे हो, एक शब्द आप नहीं बोल रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, आगे शादी में घोड़ा चल रहा है, पीछे आप डांस कर रहे हो। उस घोड़े को कितनी तकलीफ हुई हो रही है, क्या हम इमेजिन कर सकते हैं? 1 घंटे या 5 मिनट की भी लाइफ उस घोड़े की, अगर आपको बोल दें कि आप जियो, आपको मौका मिले कि आज आपको इस घोड़े की तरह जीना है या इस हाथी की तरह जीना है, और आपके ऐसे गरम गरम आयरन लगा के थप्पा लगाया जाए, राइट? right?
यू हैव टू थिंक एंड री थिंक एंड कीप थिंकिंग दैट वॉट वी आर डूइंग। और हम क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं उसके लिए हम गायों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स इज नॉट नेचुरल। दैट्स वाई वी से कि क्रॉप्स भी नहीं खाना है। क्यों हमें खाना है, क्यों हमें ग्रो करना है? नेचर दे देगा हमें जो हमारे लिए बना हुआ है, हमारे लिए फ्रूट्स बने हैं, नेचर हमें दे रहा है। आप खाओ, आप सबसे बेस्ट अल्टीमेट हेल्थ में रहोगे। बट हमें नहीं समझ में आ रहा है, हमें क्रेविंग हो रही है राइस की तरफ। क्यों क्रेविंग हो रही है? क्योंकि हमारा बैड कर्मा, प्रेजेंट कर्मा भी, हम बोल ही नहीं पा रहे हैं, हम एनिमल्स के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। अगर इस तरह की चीजें आपके आसपास हो रही हैं तो आप जा करके कंप्लेन कर सकते हो जो भी एनिमल क्रुएलिटी के अगेंस्ट लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। ये पिक्चर मुझे, मैंने इसलिए यूज की कि आप देखो इसमें बच्चे पीछे खड़े हैं और ये आदमी कितना खुश है उसको मार करके, कि उसको मारा है, और लोग इस तरह की फोटो खिंचा रहे हैं क्रुएलिटी करके। तो अब ये छोटे बच्चे भी वही सीखेंगे, बच्चे भी हमसे ही सीखते हैं। जिस एज में उन्हें सिखाना चाहिए कि नहीं हमें एनिमल क्रुएलिटी नहीं करना है, हम ये सिखा रहे हैं, फिर वो पर्सन सोचेंगे कि नहीं मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा बने बड़ा होके। तो मुझे तो नहीं लगता है कि अगर कोई ऐसा करेगा तो क्या बनेगा। तो ये सब किसने इतना कॉम्प्लिकेट किया हुआ है? हु हैज कॉम्प्लिकेटेड ऑल दिस? हम ही ने किया है। वी हैव कॉम्प्लिकेटेड, मैन हैज कॉम्प्लिकेटेड एनीथिंग विच इज देयर, और अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ नेचर एंड लॉ ऑफ कर्मा एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट। कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर आप प्रकृति के हिसाब से जी रहे हो, अगर आप एक नेचुरल लाइफ जी रहे हो, आप कर्मा को समझ रहे हो और अच्छे कर्म कर रहे हो, तो कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। कॉम्प्लिकेशन तभी आते हैं जब जहां पर आदमी की इंटरफेरेंस आती है, मैन के इस ब्रेन की इंटरफेरेंस आ जाती है। जब हम एक डॉग को घर में पाल लेते हैं तो वो बीमार होता रहता है। अगर हम उसको नेचुरल उसके एनवायरनमेंट में छोड़ देंगे तो वो अपनी नेचुरल लाइफ, गॉड ने उसको सारी पावर्स दी हैं, वो ही कैन जज, इट कैन जज उसको क्या खाना है क्या नहीं खाना, कैसे अपने आप को सही करना। तो जहां मैन का इंटरफेरेंस है वहां पर कॉम्प्लिकेशंस हैं। हमने सब कुछ कॉम्प्लिकेट कर दिया है। हम अपने शरीर में बिलीव नहीं करते हैं, हम इंटरनेट पर, हम रिसर्च में, हम ऐसे ऐसे रिसर्चर्स में बिलीव करते हैं या ऐसे डॉक्यूमेंट्स में बिलीव कर रहे हैं जो कि ऐसे लोग बना रहे हैं जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, या ऐसी जगह से आ रहा है जो जिसका कोई आपको पता ही नहीं कि वो सच भी है या नहीं है, वो हुआ है कि नहीं हुआ। आप अपने बॉडी में तो बिलीव करके देखो, आप अपने कर्म को तो अच्छा करके देखो, आपको खुद ही मिलेगा सब कुछ, हैप्पीनेस भी मिलेगी, हेल्थ भी मिलेगी, एंड दैट टू हमेशा के लिए, राइट? सो वी हैव टू बिलीव इन अवर सेल्फ, इन अवर बॉडी, नॉट इन एनी अदर थिंग और एनी अदर डॉक्यूमेंट। हमें डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। तो जब हम बीमार होते हैं या जब हम परेशान होते हैं, वेन वी आर सैड, वेन वी आर डिप्रेस्ड, वी डू थाउजेंड्स ऑफ एफर्ट्स, इजंट इट? हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, जैसा कि आपने देखा ही, हम दवाइयाँ लेते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत सारी रेसिपीज सर्च करते हैं, किसी को ढूंढते हैं जो हमें बता दे हमें कैसे सही होना है, एक्सरसाइज करते हैं, फालतू में पसीना बहा रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है? कुछ दिन के लिए आप ठीक होते हो लेकिन फिर से वही आपको डिप्रेशन आ जाता है, फिर से आपको अनहैप्पीनेस आ जाती है, फिर से आप किसी ना किसी चीज के लिए अनसेटिस्फाइड हो जाते हो, या आपकी बीमारी वापस आ जाती है।
या आपको फिर से दवाइयां लेनी पड़ती हैं। सो इतना कुछ करने के बाद, आफ्टर डूइंग सो मच फॉर योर सेल्फ, यू आर स्टिल नो वेयर, कहीं आप नहीं पहुंच पाते हो। स्टिल यू आर अनहेल्दी एंड स्टिल यू आर अनहैप्पी। वाई, हैव यू एवर क्वेश्चन योर सेल्फ? कभी इस चीज को सोचा है हमने या नहीं? हम तो एक बिजी लाइफ में जीते चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, हम कुछ सोच ही नहीं रहे। बिकॉज क्यों क्यों ऐसा हो रहा है? वाई? बिकॉज आप, सबसे बड़ी बात है, आप जो खा रहे हो उसका सीधा असर आपके दिमाग पर पड़ता है, और आप क्या एक्ट कर रहे हो उस पर पड़ता है, और शरीर पर तो पड़ता ही पड़ता है। आप अगर ऐसी चीजें खाओगे जो नहीं अच्छी है, आपके को ऑटोमेटिकली एंगर और सब कुछ आएगा। अगर आप ऐसी चीजें खा रहे हो जो आपके शरीर के लिए बनी है, तो ऑटोमेटिकली हेल्थ इज ऑटोमेटेड। हेल्थ के लिए हमें एफर्ट ही नहीं करने हैं, कुछ नहीं करना है हमें हेल्थ। तो मैं सबको सजेस्ट करूंगी यहाँ पर कि आप लोग सिर्फ 21 डेज के लिए फल खा के देखो, और अपने कर्म को सुधारने के लिए जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जितना भी नॉनवेज अभी तक आपने खाया है, जितने भी आपने कॉस्मेटिक्स ऐसे यूज किए हैं जिनमें एनिमल क्रुएलिटी होती है, उन सबको छोड़ दीजिए। आज से, अभी से छोड़ दीजिए। कल के लिए हमें इंतजार नहीं करना, क्योंकि कल कभी आता नहीं। तो आप फल खाने के साथ साथ अगर ये स्टेप लोगे, आपको अपने आप ऑटोमेटिक हेल्थ मिलेगी। आपको भागना नहीं पड़ेगा उसके पीछे, आपको हैप्पीनेस के लिए, खुशी के लिए भागना नहीं पड़ेगा खुशी के पीछे। अपने आप आपके पास खुशी आएगी, आप उस खुशी, उस पीसफुलनेस का अनुभव कर पाओगे कि हाँ, कितना पीसफुल है हमारा माइंड। बस जस्ट अमेंट बैठ। लगा दो। ओके, आप लोग सोचिए इस चीज को कि हम एक्चुअली में कर क्या रहे हैं। हम क्यों कह रहे हैं कि आप फल खाना शुरू करो और सारी चीजों को छोड़ दो? व्हाई वी आर सेइंग दिस, दैट वी मस्ट स्टॉप ईटिंग एवरीथिंग एंड स्टार्ट ईटिंग फ्रूट्स, या आप जो हम प्रोडक्ट्स डेली यूज कर रहे हैं, या हम जो भी एनिमल क्रुएलिटी करने के बाद लिपस्टिक्स और क्रीम्स पाउडर्स अपने मुंह पे थोप के हम सोच रहे हैं कि हम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं, उन सबको एक बार छोड़ के तो देखो। आपको तो अंदर से साफ होना है ना, ऊपर से अच्छे सुंदर दिखना नहीं है, अंदर से सुंदर दिखना। तो ये चीज काम करेगी, आपको रिजल्ट मिलेगा, आपको अपने आप एक ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस आएगी आपके अंदर, एंड वो हैप्पीनेस रिफ्लेक्ट करेगी आपके फेस पर, आपके बॉडी पर, आपके आसपास के एनवायरनमेंट पर। हम लोग डिप्रेस्ड क्यों हैं? व्हाई एवरीवन इज डिप्रेस्ड? बिकॉज वी आर यूजिंग ऑल दोस थिंग्स। सो जस्ट स्टार्ट ईटिंग फ्रूट्स, स्टॉप एवरीथिंग, स्टॉप ऑल द डेयरी विच यू आर यूजिंग, ऑल द नॉन वेज विच यू हैव बीन ईटिंग टिल नाउ। एक बार बस आप स्टॉप करके देखो, जस्ट फॉर 21 डेज, एंड यू विल सी द डिफरेंस इन योर लाइफ। आई हैव पर्सनली फेल्ट द डिफरेंस इन माई लाइफ। वी आर सेइंग दिस बिकॉज एज एवरी वन ऑफ अस हेयर नो, सबको पता है कि लॉ ऑफ कर्मा बहुत बड़ी चीज है, जो कि राजा को रंक और रंक को राजा बना देती है, हम कहते हैं ना।
लॉ ऑफ कर्मा, द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम पाएंगे। ठीक है, तो हमारा हर एक एक्शन क्या है वो हमें सोचना होगा। क्या वो एक्शन नेचर के हिसाब से है, क्या वो एक्शन लॉ ऑफ कर्मा के हिसाब से सही है, हमें ये सोच के एक्ट करना होगा। और एक्शन में जैसे मैंने बोला कि बहुत वाइड, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। हम क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम किससे कैसे बात कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम किसी का बुरा सोचेंगे, हमारे मन में ईर्ष्या होगी, जेलसी होगी, तो हमें वही वापस मिलेगी, है ना। तो आप लोग आज अगर एक प्लेज करते हो हमारे साथ कि आज के बाद हम कभी भी किसी भी एनिमल क्रुएलिटी में इन्वॉल्व नहीं होंगे, और उसके अगेंस्ट बोलेंगे, उसके अगेंस्ट हम बोलेंगे कि ये गलत है, तो फिर हम आपको पूरा सपोर्ट देने को तैयार हैं हमेशा के लिए। जब तक सारे मेंटर्स हैं तब तक सपोर्ट देंगे। आपको सपोर्ट हम दे सकते हैं, लेकिन ये प्लेज, ये प्रण आपको ही लेना होगा कि आप आज के बाद सिल्क की साड़ी नहीं पहनोगे, लेदर की बेल्ट नहीं पहनोगे, या आप शहद नहीं लोगे, या आप अपने बच्चे को दूध नहीं दोगे, पनीर नहीं दोगे, घी नहीं दोगे, खुद नहीं खाओगे, और अपने आसपास उसका इस्तेमाल नहीं होने दोगे, क्योंकि वो गलत है। हम गलत कर रहे हैं, हम पाप कर रहे हैं, और हमें किसी भी प्राणी का की हत्या करने का, उसका जीवन लेने का कोई भी हक अधिकार नहीं। जब आप वो सपोर्ट मिलेगा, आप शुरू करोगे, आप प्लेज लोगे, आप खुद एक्सपीरियंस करोगे, यू विल योर सेल्फ एक्सपीरियंस हैप्पीनेस एंड हेल्थ। आप हेल्थ एक्सपीरियंस करोगे, आप हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करोगे, आपको खुद में समझ आने लगेगा। आप प्रकृति या कर्मा, जैसे ही हम सुधारते हैं वैसे ही हमें रिजल्ट दिखेगा। तो अननेसेसरी मंदिरों में जाकर के, गुरुद्वारे में जाके, मस्जिद में जाके, चर्च में जाकर के सिर्फ खड़े हो जाने से और दिए दीपक जलाने से, अरदासें करने से, दुआ देख लो यहाँ पे हाथ में, पढ़ने देखो से तो कुछ खून नहीं नहीं दिख होगा। रही, अच्छा उन्होंने अच्छा क्या हाथ में लिए दिए। अरे, अरे आपको अपनी अभी तक की बिताए जीवन को एक बार अधिक देखना, सोचना पड़ेगा कि मैंने अभी तक क्या 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 किया, और आज मैं जो सफर कर रहा हूँ वो मैं क्यों सफर करता हूँ, सफरिंग क्यों आ रही है, क्यों हम बीमार हैं, क्यों हम अनहैप्पी हैं, क्यों हम डिप्रेस्ड हैं या स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, क्यों हमें गुस्सा आ रहा है, तो आप सब अब अच्छे से तैयार हो जाइए। इस जर्नी पर हम सब आपका साथ देंगे, बट आपको प्लेज लेना होगा और आगे बढ़ना होगा। ठीक है, तो मैं आज सबसे पहले तो क्वेश्चंस तो मैं बाद में लूंगी। मैं सबसे ये जानना चाहूंगी कि कौन कौन प्लेज लेने को तैयार है। जो जो भी है वो सब मुझे बोलें, या तो चैट बॉक्स में लिखें, या तो हैंड रेज करें। रजनी जी ने हैंड रेज किया है, नीरा जी ने किया है, मायावी जी ने किया है।
नीलम जी ने किया होगा, प्रियदर्शी ने किया है, डिंपल ने किया है, अमृत जी ने किया है। वेरी गुड, अनंत जी ने किया। आयुषी मैम, मेरा चैट नहीं होता है उसमें। तो आप बोल लास्ट के टाइम, बता हाँ दीजिए कि आज से मैं प्रण लेती हूँ। यस यस यस, मेरा यस है। बोलिए, आप बोलिए हाँ मैं प्रण लेती हूँ। किस चीज का प्रण ले रहे हैं आप, ये भी बोलना है। आपने बोला अभी के एनिमल क्रुएलिटी के ऊपर, तो आसपास में जो भी ऐसा कुछ होगा तो मैं उसके लिए रेडी हूँ और पूरी कोशिश करूंगी। अगर देखो लेदर बेल्ट वगैरह तो फीमेल्स पर्स अभी यूज करती हैं, बट स्टिल मैं ट्राई करूंगी अभी से अवॉइड करने की, है ना। आपको अवेयरनेस फैलानी है अपने आसपास। यस डेफिनेटली आई कैन डू इट। ओके ओके गुड। गुड। बहुत सारे लोगों ने यहाँ प्रेस किया है। जी सब हाँ जी आवाज आ रही है आपको मैडम की? हाँ जी बिल्कुल आवाज आ रही है। अब मैं क्वेश्चंस ले लेती हूँ पहले, लेकिन मुझे ये जानना है कि आज जो आपने देखा उससे आपने क्या सीखा, क्या समझा? आयुषी मैम, मैं बोलना चाहूंगी कि जो भी आपने कहा उसमें पूरी सच्चाई थी कि हमारे पास कर्मास होते हैं जो हमें कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज देते हैं, और कहीं ना कहीं रिलेट होता है पास कर्मा में हम जो करके आए। और नेचुरली अभी भी हमें समटाइम्स गुस्सा आता है या एनजाइटी हो जाती है या अननेसेसरी चिड़चिड़ाहट गुस्सा किसी के भी ऊपर निकल जाता है, और वो रिलेट होता है कहीं ना कहीं पास कर्मास के साथ। और शायद पिछला कुछ ऐसा रहा होगा, हमने किसी को मारा होगा, सताया होगा या कुछ भी ऐसा किया होगा, लेकिन इस टाइम पे अगर हम अवेयर हो जाएं, और फ्रूट डाइट उसमें हमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, और उसी के वजह से हम मेडिटेशन से कनेक्ट हो रहे हैं, और मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जो हमें अवेयरनेस हमेशा देती है। हम क्या खा रहे हैं उस पे भी अवेयरनेस, क्या बोल रहे हैं उस पे भी अवेयरनेस, और हर समय हमें जागरूकता रखनी है, क्योंकि अगर माइंड पे अवेयरनेस करना जिसको आ गया ना, फिर उसको अपनी हर चीज पे 24 घंटे देखना आ जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा मेरे द्वारा, और अगर हो भी गया है या हो भी रहा है तो उसको रोक ले, इमीडिएट हम उसको रोक ले, वो हमारे ही हाथ में है। अनंत जी आप क्या बोलना चाहेंगे जो आज आपने देखा पूरा शुरू से लेके अभी तक का प्रेजेंटेशन? मैं अब हर समय यही विचार में रहता हूँ कि कहाँ मुझसे एनिमल क्रुएल्टी तो नहीं हो रही है। एज इन आज ही एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए आया था मेरे पास, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो उसमें लाख अनंत जी आप म्यूट हो गए ऑफिस अभी लाख बोल। मतलब हाँ चपड़ा बोलते हैं उसको यहाँ, वो पॉलिश के काम आता है और दवाइयों में ना, दवाइयों की कोटिंग में यूज होता है। तो मैंने रिसर्च किया तो पता चला कि वो एक एनिमल होता है लाख नाम का, उसका कुछ सलाइवा या कुछ और प्रोडक्ट है वो। तो अब मुझे ये लगता है कि अब मैंने उसके प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया कि यहाँ भी मेरे क्या कर्मा गलत हो रहे हैं, कि कहीं ना कहीं मैं उस इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए उसके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बना रहा हूँ या उसके पेपर वर्क कर रहा हूँ। तो या ये रिसर्च करने का मैटर है कि क्या वो भी उसको टॉर्चर करके या क्रुएल्टी है उसका उसका सलाइवा निकालना, या किसी भी तरीके से उसको उसका क्या चीज निकाला जा रहा है कि उससे यूज करके लाख बनाया जा रहा है, जिसे बिल्कुल। दवाइयों में और बाकी चीजों में भी यूज किया जा रहा है। सो और आप मैम इस चीज पर हाँ बताइए। आपके प्रेजेंटेशन के साथ साथ मैंने अपने घर में भी ऐसे मैसेज लिखे हैं घर के ग्रुप में कि शायद लोग अवेयर हो जाएं मेरे घर में भी। अब मेरे घर में तो बहुत सारे बच्चे हैं, 4-5, तो काफी डिस्कशन छिड़ गया है बातचीत में। तो काफी काम करता है मैम ये तो। बिल्कुल। तो आज की रिकॉर्डिंग आप दिखा सकते हैं सबको। ठीक हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैम, वो तो है ही है।
ठीक है, थैंक यू सो मच अनंत जी। अब हाँ मैं जी किसी से भी वॉलंटरली चाहूंगी कि जो भी आज आपने देखा शुरू से लेके आखिरी तक, तो उस पे आपने क्या समझा, आप अपने लाइफ को कितना रिलेट कर पाए अभी तक के सफरिंग से। और जिन लोगों ने फ्रूट्स खाना शुरू कर दिया है वो अपना ये भी एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि अभी क्या चेंजेस दिख रहे हैं उन्हें। आयुषी आयुषी मैम, मुझे आज बहुत ज्यादा मैं फटीक थी और मुझे शाम को फीवर हो गया और बोल भी नहीं पा रही थी एकदम से, बस जाके चुप करके लेट गई। और माइंड एक्चुअली दिन में बहुत ज्यादा नींद आ रही थी, इतनी नींद आ रही थी। और मेरे घर में आज एक लेबर काम करने आ गई और मैं कह भी नहीं पा रही उसको कि मुझे नींद आ रही है और तुम चले जाओ, और वो काम करता जा रहा है और जब वो मुझसे कुछ मांग रहा है तो मैं इतनी बेहोशी में हूँ कि उससे बात ही नहीं कर पा रही हूँ। और फिर मैंने उसको 1-2 घंटा पहले उसको भगाया, लेकिन तब तक मेरी नींद जो है वो भाग चुकी थी और मुझे अननेसेसरी मतलब चिड़चिड़ाहट, और मैं ऐसे बस फीवर थोड़ा सा हो गया और कल रात को भी मुझे नींद नहीं आई। और आज दिन में आ रही थी तो वो मेरे सामने था तो मैं नहीं सो पाई। तो मैं अभी आपसे 1 घंटा पहले बहुत ज्यादा बीमार थी और मैंने सोनिया जी का भी फोन भी आया तो मैं उनको बोल रही थी आयुषी जी का मैं वो ले रही हूँ सेशन, और बट मैं बहुत बीमार हूँ, मेरी तब आवाज भी नहीं निकल रही थी। मतलब आज सारा दिन में मुझे ये सिम्टम हुआ। ठीक बट अभी 2 दिन पहले भी ऐसा फीवरिश सा फील हुआ था है। और कल आपने रात को भी। पूरा, अच्छा अभी आप ही बोल रहे थे क्या कि मैं हाँ जी इन्वॉल्व मैं नहीं होंगी प्रोबेबिलिटी में? ठीक बिल्कुल, मैं ही बोल रही थी, सनीक्षा बोल रही हूँ मैं। है, ठीक है। और अभी सोनिया जी से बात हुई तो बोले आपकी आवाज में बिल्कुल वो नहीं है, आज बहुत थके हुए से। मैंने बोला हाँ आज मैं बहुत बीमार हूँ, लेकिन मैं आयुषी का वो ले रही हूँ सेशन, तो ठीक मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। तो मैं उनसे बात भी नहीं कर पाई, बट अभी देखो है, आप पर बात आपके कर रहे अंदर हो। इतनी शक्ति है कि आप सेशन अटेंड कर पा रही हैं, सुन पा रही हैं, और फिर यस आप मैम, रिप्लाई भी यस कर रही मैं हैं। बिल्कुल आयुषी मैम, मेरे को सेशन छोड़ना ही नहीं होता है और इस सेशन बिल्कुल के लिए मैंने सोनिया जी का फोन डिसकनेक्ट कर दिया कि बाद में बात करूंगी। लेकिन अभी देखो जब आप ये सारा फिल्म लगा के बैठे हुए थे और मैं एक एक चीज सुन रही थी, मेरे से करवट भी नहीं बदली जा रही, फिर भी मैं सुन रही थी और आपको मैंने आंसर भी किया, क्योंकि ये बिल्कुल पॉजिटिवनेस और एनर्जी लेवल तो है ठीक है, बट मतलब नहीं हो पा रहा था कुछ भी, नींद की वजह से शायद, या कुछ कल भी नींद नहीं आई सब या आपका वापस। हीलिंग चल रहा है, अभी आपको आराम की जरूरत है। हीलिंग जैसे ही ओके सही होगा तो बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। मेरे को तो कुछ करना है, मैं तो इतने एनजीओस के साथ जुड़ी हुई हूँ, मैं तो बिल्कुल लोगों को करेंगी आप, रोकती हूँ कि बिल्कुल आप कुछ करिएगा। करोगे, लोगों को रोकती हूँ जाके, मतलब जहां नहीं भी खड़ा होना आप होता वहां भीड़ में जाके खड़ी होती हूँ, नहीं ऐसा नहीं करना है, ये गलत हो रहा है किसी जानवर के साथ। आपको पता है आयुषी मैम, जब हम थोड़े से बचपन में थे और मेरे फादर ना एक दिन रखा करते थे और वो कहते थे कि एक दिन एनिमल्स का होता है जब इनको नहीं मारा जाता है, कोई चींटी जानवर पैर के नीचे नहीं आना चाहिए, तो हम बच्चों को वो शिक्षा देते थे कि आज का दिन जैसे फादर्स डे मनाया जाता है, मदर्स डे मनाया जाता है, ऐसे ही एनिमल डे भी होता था कि कोई एनिमल या कोई छोटी भी छोटे से छोटा जानवर भी, चींटी वीटी कुछ भी हमारे पैरों के नीचे नहीं आना चाहिए। तो उस दिन वो बोलते थे अवेयर रहना है घर में भी और बाहर भी, किसी के जानवर कोई तुम्हारे पैरों के नीचे नहीं आना चाहिए। तो तब से देखे अब तक इतना ज्यादा वो है कि पार्क में जाएं या कहीं भी जाएं कि कोई भी हमारे पैरों के नीचे, मेरे पैरों के नीचे कोई नहीं आना चाहिए जानवर, मेरे द्वारा नहीं वो मरना चाहिए। तो यही शिक्षा जो भी मिलता है मैं उनसे डिस्कस करती हूँ कि ये गलत है। बिल्कुल बिल्कुल तो सही है। अभी तो चलिए और और लोग, अवेयरनेस फैलानी है डेफिनेटली। हाँ ठीक है, और कौन बताना चाहेगा आज आपने क्या रिलेट किया अपने लाइफ से? मैम हाँ बस जी मैम, मुझे इतना, एक आयुषी मैम बस मुझे इतना बता दो, ऐसा नींद का भी रहेगा क्या? मेरे को कल हाँ भी हाँ अभी आप सो जाओ आराम लेबर से, लेबर सो को जाओ। बुलाना है मुझे कल भी, तो कल ऐसा छुट्टी रहेगा? दे दो, लेबर बाद अच्छा में भी सिर काम कर लेगा, कल में आप सो बहुत जाओ। तेज दर्द हो रहा है, आज सिर में काफी हाँ दर्द तो हो आप रहा है। सो जाओ ना, कल कल आप सो जाओ, कल मत बुलाओ, लेकर को मना कर दो कि आना ही नहीं। ओके ओके थैंक यू। बताइए नीलम जी। आ रही है आवाज मेरी? हाँ आ रही है, बोलिए। हाँ जी मैं ये
पे, तो मैं बहुत अच्छा लग रहा, लेकिन बच्चे नहीं बनते जैसे आप बेल्ट के बारे बताए, प्लस लैदर दा बच्चे तो नहीं, बच्चे नहीं सुनते है गल, वो कहते सारे वरतते ने सानू की हुंदा है। तो बच्चों को भी तो हमें मैं सुनवाना आपको पड़ेगा। नहीं, देखो मैं तो फ्रूट ले, बच्चे कहते हम तो भूखे रह गए, तो मैं भूखी थोड़ी रह रही हूँ, फल खा रही हूँ। तो पहले मेरे को भी कहते थे मम्मी आप ले लो खा लो, मैं क्या नहीं मेरे को ना, मैंने ठीक होना है, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है 20 दिन से, मेरे को ऐसे लग रहा है जैसे मेरा वेट भी कम हुआ है, 20 दिन में मैंने बहुत ज्यादा फर्क लग रहा है, हल्कापन। रात मेरे शरीर च दर्द बहुत सी, मैं चुप करके लेटी रही, अब दिन आज ठीक है। तो अभी तक के थोड़े से कर्म गड़बड़ थे ना, तो दर्द हो रहा था। अब कर्म सही हो रहे हैं तो धीरे 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 दर्द जाएंगे ना। हाँ मेरे बस ते नहीं हुंदी है लत्तां बाहां च, ते हाँ मैं तां चलते रहे, मैं कह रहा ना गलती खाना खाया है, मैनू पता चल गया है कि मैं रोटी चावल जिवें मर्जी बनाई जान, मैं नहीं किचन च उठदी, मैं कह मैं खाना ही नहीं, ठीक मैं कह लगातार पहले शुगर की दवाई मैं 3 गोलियां खांदी सी, है। ठीक है, मैं एक गोली नहीं खा रही 3 दिन बढ़िया तो, पहले मैं एक गोली बढ़िया। खांदी रही, ते हुण मैं शुगर चेक कर दी हां ते 160 शुगर आई मेरी, ते वीपी दी गोली मैं 2 खांदी सी 1 खा रही हां ठीक वीपी दी, है, करते रहिए ते और शुगर ऐसे ही चलते रहिए आगे। शुगर ठीक दी मैं बिल्कुल नहीं है, खा, चेक कर लेनी हां शुगर, 3 दिन हो गए मैंने छोड़ दित्ती, मैंने कहा डरना नहीं बस, हाँ क्योंकि डरना मैं नहीं। सारा दिन डरना नहीं बस गीता करती हूँ, गीता पर से जुड़ गई, ध्यान दी क्लास से जुड़ गई, तो दी क्लास से मैं लगाती रहती हूँ, तो बिल्कुल मैं कहा सही। भगवान मेरे को पल पे रहेंगे ठीक हो जाना है। हाँ बिल्कुल, भगवान आपको बचा लेंगे, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा बोलना पड़ेगा, गलत चीजों के खिलाफ आपको आवाज उठानी होगी। वो तो ठीक है, अभी मेरी कोई सुनेगा नहीं ना नहीं आवाज सुनेगा मैं सुनाइए लड़के सुनाइए, लोगों को सुनाइए। लड़का कहता है मम्मी तुम ही ऐसे करो भी मैं फल पे रहना है, आता दर्द है वो धीरे कहता है धीरे 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 समझ में आ जाता है, हमारे आसपास भी जो लोग रह रहे होते हैं ना, उनके ऊपर भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, और धीरे धीरे लोगों को समझ में आता है, तो आ जाएगा, लड़के आप ने ना, चिंता मत करिए। 1 मिनट बात सुनो, मेरा लड़का 38 साल उम्र होगी उसकी, तो उन्हें एम कॉम की बीएड की एम एड की, अच्छा पहले असि पंजाब बोर्ड विच लड़का पढ़िया, ते इन्हू ना इंग्लिश स्कूल विच जांदा सीगा, जॉब नहीं मिलती सी, ए जिथे जावे 10-15 हजार जॉब मिले, ते इन्हें ना टेंशन पा पा के डिप्रेशन दिया गोलियां खानिया शुरू करती हैं, ते मैरिज नहीं करवाई, ते हुण मैं कहनी हां भी तू देख चिंता कर करके, मैनू 3 साल हो गए ध्यान दिया क्लासा च जुड़ गई, मैं पहले इन्हां दी बहुत बच्चियां दी टेंशन लेंदी सी, लेकिन मैं ध्यान दिया क्लास च जुड़ गई, मैं तां अपने आप नू ठीक काफी कर लिया, ते हुण मैं फ्रूट दा पता लग गया भी इहदे नाल असीं स्वस्थ रह सकते हैं, ते मैं हुण इधर भी हो गई भी फ्रूट भी खान, लेकिन नहीं, आप लड़का मेरा डिप्रेस समझाइए उनको, देखिए जो भी परेशानी आप बता रही हैं, डिप्रेशन डिप्रेशन की गोली लेना, ये सब कहीं ना कहीं जो होगा हम गलतियां कर रहे हैं ना, उन्हीं का रिजल्ट होता है, तो आप बिल्कुल समझाइएगा। मैं बड़ा समझानी हूँ, सुनते नहीं ना बच्चे, हार्ट का ऑपरेशन होता हो गया मतलब, ते वो 15 दिन 20 दिन उदो कहता भी मौत किनारे हो गया सीगा, 2 इन ऑपरेशन हो गए, ते उदो कहता मैं तो जिया ही नहीं, लेकिन जो हुण मैं समझानी हूँ ते गल नहीं सुनते भी, उवे ही खाना ब्रेड खा लेंगे रोटी खा लेंगे, ते कहणगे तुसीं कल, मैं क्या, मैं क्या बेटे फिर तू ब्रेड ले आया, कहिंदा तुसीं तां खाण भी नहीं दिंदे, अब मैं फिर चुप हो गई, नहीं मैं नहीं क्या आप मैंने मत दो तो दो, आप मत दो, कह दो मैं तुम्हारे अच्छे के लिए कर रही हूं।
वो ठीक है नीलम जबरदस्ती। जी, अभी हम दूसरे पार्टिसिपेंट से भी सुन लेते हैं कि वो लोग क्या कहना चाहते हैं, ठीक है? फिर आपका स्वागत है। ओके रजनी जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? हाय आयुषी। हेलो। हाँ मेरे को तो अब आज टुडे इज लाइक 82nd डे बाय, क्या क्या बोलते हैं हिंदी में, 82 हिंदी में भी बता देते हैं, राइट? सो एज फार एज लाइक आज तक अगर देखें तो एक्सपीरियंस तो फॉर श्योर बहुत ही अच्छा है ना? और इसने एक और चीज जो बहुत अच्छी की है ना, दो आई वॉज ऑलवेज वोकल है ना, बोलती हूँ मैं कोई भी चीज गलत होती है, अपना व्यू पॉइंट रखने की आदत है, एज इट इज नहीं एक्सेप्ट करती कोई भी चीज, बट अब जो रिलीजियस और ये जो रिचुअल्स और इन सब के अगेंस्ट जो भी ये गलत हो रही है ना प्रैक्टिसेस, अब उसके अगेंस्ट बोलने की भी करेज आ गया। ठीक है, पहले तो आप देखते जरूर थे और आपको इतना ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी क्रुएलिटी की लेकर, बट ईएफएक्स के साथ तो फॉर श्योर बहुत अवेयरनेस आई है, और वो अपने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट हुआ, फैमिली में हुआ, अपने आसपास हुआ, अब तो सोसाइटी में भी अगर कोई ऐसी रिलीजियस गैदरिंग्स हैं जहाँ पे मैं इनवाइटेड हूँ तो पहले तो मुझे उसको मना ही करना पड़ता है। आई जस्ट डिक्लाइन द इनविटेशन एंड विद अ मैसेज कि मैं नहीं आऊंगी, और क्यों नहीं आऊंगी वो भी बताती दैट्स वेरी गुड, तो दैट्स हाँ दैट्स ऑसम। और दिस इज अभी द अभी स्ट्रेट, अभी ये स्ट्रेट वे में आपने बोल दिया था मुझे। राइट 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 हाँ, और उसका रीजन भी क्लियरली बताती हूँ, ठीक है? एंड एंड विद द होप, उनको अभी नहीं फोर्स करती, उनको साथ में मैसेज करने के बाद बोल देती हूँ कि आई जस्ट होप कि लोग सुने और इसको इम्प्लीमेंट करें। आई एम डूइंग इन माई लाइफ एंड आई होप कि बाकी सब भी ये चीजें इम्प्लीमेंट कर ले। अभी मीटिंग के ड्यूरेशन में ही मुझे एक कॉल आया एज अ इन्विटेशन फॉर अ सुंदरकांड, सोसाइटी में अपने ब्लॉक में किसी ने इनवाइट किया, और बाय चांस मेरी थोड़ी बहुत बात उस फ्रेंड से हो रखी थी ऑलरेडी कि मैं जो प्रैक्टिसेस फॉलो कर रही हूँ, डाइट फॉलो कर रही हूँ, बिकॉज मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि सोसाइटी में तो एवरीबडी हैज दैट क्यूरियोसिटी, जानना ही चाहते हैं कि क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, बट कितना फॉलो करेंगे उसमें टाइम लगेगा, राइट? बट अवेयरनेस वाइज वो सारे सेशंस भी चल रहे हैं, पर्सनल भी चल रहा है, और वॉक के टाइम पे भी सारा उनके साथ चीजें कन्वर्सेशन हो रही है। हूएवर वांट्स टू नो, मैं सबको बताती रहती हूँ, राइट? और यही अभी इनविटेशन जिन्होंने दिया उनके साथ भी मेरी ऑलरेडी कन्वर्सेशन एक इस पे हो चुकी थी, तो जैसे ही मैंने बोला ना कि सॉरी रुचि आई वोंट बी एबल टू कम, तो कह रही है एकदम वो साइलेंट हुई, और फिर मैंने कहा यू नो द रीजन एंड आई एम जस्ट अवॉइडिंग कि मैं रिलीजियस गैदरिंग्स में ना जाऊं, है ना, बिकॉज आई हैव सम इट्स नॉट बींग अलाउड बाई माई कॉन्शियसनेस नाउ, तो इसीलिए मैं थोड़ा इसको डिसअलाउ करूंगी और आपको ना इसमें अवॉइड कर रही हूँ, आई होप यू अंडरस्टैंड। बहुत प्यार से मैंने उसको मना भी किया, ठीक है? एंड देन शी वॉज लाइक कि उसने मेरी बात समझी भी, और फिर उसने बोला भी कि हाँ अगर हम कोई चीज फॉलो करते हैं तो बहुत ही रिलीजियसली फॉलो करनी पड़ती है, आई अंडरस्टैंड, नो फीलिंग्स हर्ट, तो एक्सेप्ट भी किया उसने उस चीज को, है ना? तो आई वॉज एबल टू कन्वे दैट, मुझे अच्छा लगा अप फ्रंट बोलकर। ग्रेट, तो ये करेज फ्रूट्स पे ही आता है इस तरह, बिल्कुल राइट? बिल्कुल, फ्रूट्स पे आता है। आपने आपने डेयरी को बाहर निकाला, आपने कर्मा सुधारा, और भगवान बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि हाँ ये बच्चा मेरा सुधर गया है, तो सुधरना सुधर जरूरी है, गया और सुधारने की राह पे भी है, राह छोड़ेंगे पे भी है, नहीं किसी को, किसी को इसीलिए छोड़ेंगे वो नहीं वो करज राह अंदर पे। से ही आ जाता है कि अब हमें मना ही हाँ कर दिया, नहीं, आ गया। आई एम क्योंकि स्टैंडिंग बाय माय वर्ड्स, कोई ये कुछ भी आप बोलता जो है। कर रही हैं ये बहुत बड़ी चीज है, इसलिए मैं बड़ी चीज कह रही नहीं हूँ कि लोग मना नहीं कर पाते हैं रिलीजियस चीजों को, मना या खुद ही करता। जाते हैं वो कि आज के इग्नोर दिन कर ना देते हैं। जाऊंगी, बाकी यस दिन पे ये यस हाँ करवाऊंगी। राइट राइट, इग्नोर कर देंगे, ठीक है, अवॉइड करेंगे, इग्नोर कर देंगे, बट किसी के अगेंस्ट अपनी अपना मैसेज कन्वे भी नहीं करते, है ना, नहीं कर कि पाते क्यों एग्जैक्टली नहीं करना चाह रहे। हाँ तो वही करेज मुझे मिला और मैंने वो मना भी किया, बहुत ही तो अच्छा। एंड दैट इज द रिजल्ट, ओनली बिकॉज ऑफ द एसोसिएशन विद ईट फ्रूट्स एंड हील, प्राउड टू बी। गुड,
आपके अंदर वो चीज थी पहले से, सिर्फ ईट फ्रूट्स एंड हील से वो बाहर आ गई। बाकी चीजों के लिए बहुत थी, अब क्रुएलिटी को लेकर बहुत ज्यादा आ गई है। नाउ बिल्कुल दिस इज माय, आई एम टेकिंग इट एज माय पैशन, आई एम टेकिंग इट माय लव, पर्पस ऑफ माय लाइफ, ठीक है। सो हाँ, तो ये सब अगर है तो उसी के अराउंड ही होगा अब सब कुछ। ऑल बिल्कुल एक्शंस आर ड्रिवन, और उसमें पर्पस यही है। ग्रेट, दैट्स ग्रेट, बढ़िया। चलिए, और थैंक कोई शेयर यू। करना चाहता है? हाँ यस मैम, बताइए। मैं ये जानना चाहती हूँ, मैं भी फ्रूट डाइट पे हूँ, रजनी ही मेरी नेबर है, इन्होंने ही मेरे को बताया, सो दैट आई एम ऑन दिस वे। आई एम थैंकफुल टू हर एंड शी अलाउड मी टू ज्वाइन यू। मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर ये सुंदर कांड में नहीं गई, वहां पे क्यों नहीं जाने में क्या खींच होनी चाहिए? आपने पूरा देखा जो मैंने बोला था, उसको सुना ध्यान से पूरा? हाँ जी, हाँ जी, सुन रही हूँ मैम। नहीं, अभी जो प्रेजेंटेशन के थ्रू जब मैं दिखा रही थी, पूरा सेशन आपने शुरू से अभी तक अटेंड हाँ किया? हाँ आपने मूवी भी दिखाई थी ना, मूवी का सीन भी हाँ दिखाया था। हाँ नहीं, वहां उसमें सुंदर कांड का पार्ट अगर हम कर रहे हैं तो पर, हाँ हाँ, वहां पर जो घी का मैं दीपक आंसर जलाते करूं? हैं। हाँ, हाँ राइट बिल्कुल, राइट आप सही करिए सॉरी। रजनी जी, आप करिए आंसर। ओके, हाँ नमस्ते आंटी जी, नमस्ते। नमस्ते बेटे। हाँ, राधे राधे। राधे आंटी राधे। वो, हाँ ओनली बिकॉज कि हम लोग क्रुएलिटी को प्रमोट नहीं करना चाहते ना, तो ओ, घी का अपनी दीपक। अपनी ओके एब्सेंस, ओके। हाँ जी हाँ जी, अपनी एब्सेंस के थ्रू ये मैसेज कन्वे दे कर पाएंगे, और है ना, तभी तो मैं उसको रीजन भी बता पाई। बहुत सॉफ्टली मैंने रुचि को बोला, आप जानते होंगे 13th फ्लोर पे सुंदरकांड है अभी ट्यूसडे को, तो उसी में उसी का इनविटेशन मुझे आया था, एंड शी इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, है ना। वो 12-13 साल मैं से हम ये लोग कहना इसी चाहती सोसाइटी में हूँ रह रहे हैं। कि अगर हम हाँ घी का दीपक ना जलाएं, उसमें तेल का दीपक जला सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ बहुत बिल्कुल, हाँ, तिल का तो तेल, उन आई एम हाँ, यूजिंग तिल का तेल, मैं अपने घर पे तिल का मैं भी घर दीपक में जला तिल रही का हूँ। तेल ही यूज कर रही हूँ। तो उनको हम ये भी तो बता सकते हैं, आप ये पाठ तो करिए पर तिल का तेल यूज कर बिल्कुल लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल आंटी, पर ये ना चीजें ग्रेजुअली होती हैं, ग्रेजुअली होती हैं। अभी सुंदरकांड में जो मिठाइयाँ चढ़ती है ना, बिकॉज मैंने ये सब कुछ देखा हुआ है उनके, उनका जो खाली फ्रूट का नहीं है उसमें प्रसाद, लोग उसमें लड्डू भी चढ़ाएंगे, उसमें लोग बर्फी भी चढ़ाएंगे, तो आप सारी चीजें एक एक इंस्टेंट पे नहीं करेक्ट कर सकते, हाँ राइट। तो हाँ वो हाँ हाँ धीरे धीरे होगा, है ना। तो अभी जब मैसेज, जब मैं कैसे करूंगी इसको कन्वे, मैं अपने घर पे होस्ट करूंगी, ठीक है। देन आई शो देम कि हम विदाउट क्रुएलिटी प्रोडक्ट्स कैसे कर सकते हैं इसको, आई बिल्कुल नीड टू बिल्कुल। सेट दैट एग्जाम्पल, ठीक है। तो तब वो समझेंगे, अभी हमारे बोलने से नहीं समझेंगे, वो एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है, आपको करके दिखाना पड़ता है, उसके ऑल्टरनेटिव ला के दिखाने पड़ते हैं, अगर ये मीता जी ठीक कहें तब ये पॉसिबल हो सकता है। है। बिल्कुल, बट अभी अभी मैं मीता जी के साथ, मीता जी ने ही कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, उनकी बहू फॉलो कर रही है, उन्होंने 3 महीने से मुझे देख रही हैं, बट उन्होंने एक भी क्वेश्चन अभी तक मेरे से नहीं पूछा है कि ये क्या कॉन्सेप्ट है, राइट। क्या ओके okay. आपको इतना ज्यादा ट्रिगर किया? आई एम जस्ट वेटिंग, वो थोड़ा इंटरनल है, विल टॉक, है ना, वो हम करेंगे हाँ, आपको नहीं, मैं नहीं, बाद वो में, है नहीं, ना। मैं चलिए, आई टुक ओके, मीता जीज नेम बिकॉज शी इज द लीडर, दैट्स व्हाई आई यस सेड, यस अदरवाइज यस, नहीं, हाँ, नहीं, बट नहीं, ठीक दैट विल टेक टाइम आंटी, इट्स अ बिग थिंग, है ना, वो सोसाइटी लेवल पे चेंजेस लाने हैं। हाँ, दैट तो विल टेक हम टाइम। ये मेरा ये कहना था कि अगर वो पार्ट हो हाँ रहा है, अगर वो तिल का तेल यूज करते हैं, तो हम जो वो प्रसाद देते हैं वो सिर्फ फ्रूट का ही लें, तो इससे भी तो यस, फर्क, हाँ, बाकी कोई कुछ नहीं बिल्कुल करे, वो धीरे धीरे बिल्कुल फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, आप कर हाँ सकते हैं, हाँ आप बिल्कुल। जाइए और आप अपने फल चढ़ाइए और फल को ही लीजिए, बोलिए हाँ, मैं और लूंगी ही फल को ही नहीं। लीजिए। हाँ, हाँ जैसे बिल्कुल कल बिल्कुल। भी हम गए थे ये हनुमान चालीसा जी का जन्म उत्सव पे, तो बनाना था मेरे को, फल आई टुक ओनली दैट, बाकी सब हाँ, राधे राधे। वो हाँ अभी तक जितनी भी मंदिर में फंक्शंस मैंने अटेंड किया ना, उसमें सिर्फ बनाना ही लिया, यहाँ तो साईं बाबा कीर्तन ये वो बहुत कुछ हुआ है, दैट टाइम हाँ आई अटेंडेड एंड टू ओनली प्रसाद में केला, ठीक है। ठीक बट है। हाँ मैसेज नहीं कन्वे कर पा रहे थे ना, अब मैसेज भी कन्वे करना है, नाउ इट्स हाई टाइम कि चेंजेस भी लाए जाएं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऑल द बेस्ट हाँ, डियर। तो ऐसे ही होंगे।
हाँ ठीक थैंक यू है, सो मच आंटी। हाँ हम मिलके करेंगे ना आंटी, आप भी तो हैं। हाँ, मिलके करेंगे, बिल्कुल, हाँ हाँ देखें, चलो ठीक है, ओके चल ओके। कैन आई हैव द नेक्स्ट? अभी हम थोड़ा सा आगे का कुछ बता देते हैं, कुछ लोग नए हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उन्हें ये बता देते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, तो बस सिंपल सी चीज है, फ्रूट्स को खाना है। हाउ टू ईट फ्रूट, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है यही सबका, जो कुछ लोग 1 महीना भी हो जाता है ना उनको, तब भी उनको समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली में करना क्या है, कैसे खाना है, क्योंकि वो सोचते हैं कि नहीं ये तो साइड वाली चीज है, कभी कभी खाने वाली, हमारा मेन मील तो दाल चावल रोटी सब्जी दही दूध घी पनीर है। लेकिन हमें यही बोलना है कि यही हमारा मेन फूड है, यही हमारा खाना है और कुछ नहीं है, और सारी चीजों को हमें छोड़ना ही है। तो फ्रूट्स खाना है आपको, उसके लिए सबसे पहले जो चाहिए, ईट विद फेथ बिलीफ एंड जॉय। ठीक है, विश्वास रख के खाना है आपको, संकल्प लेके खाना है कि मुझे यही खाना है, कि मुझे क्रेविंग्स नहीं आए, और खुशी के साथ खाना है। ये नहीं सोच के खाना है कि अरे वो तो पानी के बताशे खा रहा है या दाल चावल खा रहा है और मुझे फल ही खाने पड़ रहा है, ये नहीं सोचना है आपको, राइट? या मैं मुझे कितने दिन तक ये खाना है, बहुत से लोग क्वेश्चन पूछते हैं, अरे कितने दिन तक खाना है, कब सही होंगे। ठीक है, तो आपको ये समझ लेना है बहुत आराम से कि हमारा जो भोजन है वो यही है, यही खाने के लिए हम पैदा हुए हैं, और कुछ खाने के लिए हुए नहीं है, क्योंकि और सारी चीजें जो है खाने की, उन सब में बैड कर्मा इन्वॉल्व है, और आप वो खा रहे हो तो वो आपको फल खाने नहीं दे रहा है, इसीलिए आप बार बार गिर रहे हो, आपने मन से स्वीकारा ही नहीं है। ठीक है, तो जितनी भी आपकी पकी हुई पका हुआ भोजन था अभी तक, थाली में सज सज के आता था, उन थालियों में फ्रूट सजाना शुरू कर दीजिए, फ्रूट थालीज लेके आइए। ठीक है, एक तरह का फल एक टाइम पर खाना है, मोनो मील्स जिसको हम कहते हैं, मोनो मील्स में खाना है, फ्रूट्स को मिक्स नहीं करना है। ठीक है, और अपनी भूख और अपनी प्यास को आपको फॉलो करना है, और कुछ करना ही नहीं, बहुत सिंपल सी चीज है, कॉम्प्लिकेटेड सिर्फ हमारे पुराने कर्मा की वजह से है कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि एक्चुअली में क्या करना है। उसको आप एक बार शुरू करो और सिंपल सी चीज समझ लो कि मोनो मील्स खाना है, एक बार में एक तरह का फ्रूट खाना है, जितनी भूख है उसके हिसाब से खाना है, जितनी प्यास है उस हिसाब से पानी पीना है, दैट्स इट। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि फेथ बिलीफ और जॉय के साथ खाना है, खुश होकर खाना है, विश्वास करके खाना है। नेक्स्ट स्लाइड। सो अब करें क्या, खाना तो है फल, बता तो सब कुछ दिया, लेकिन करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, फल खरीदने हैं, फ्रेश और स्वीट फ्रूट्स खरीदने हैं, और फ्रूट्स को खाना आपको शुरू कर देना, जैसे कि बोला कि मोनो मील्स में खाना है, एंड मीटिंग्स को अटेंड करते रहना है, सुबह 8 बजे, दोपहर में 3 बजे, रात को 8 बजे, आपको सपोर्ट मिल रहा है, आप शुरू करो प्लेज लेके डिटर्मिनेशन के साथ, क्योंकि आपको आपकी जो सर्च है, हेल्थ की सर्च, हैप्पीनेस की सर्च, वो सारी सर्च यहीं आके खत्म होगी। ठीक है, नेक्स्ट। या सो बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि इसमें क्या नुकसान तो नहीं होगा, कुछ खाएंगे तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा, है ना, मेरी मसल्स चले जाएंगे, मेरा विटामिन कम हो जाएगा, मिनरल कम हो जाएगा, राइट, मेरे बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे, इज देयर एनी लॉस डूइंग दिस? कोई लॉस तो नहीं है सिर्फ फल खाने में, तो कोई भी लॉस नहीं है, आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं, हम लोग जैसे लोग जो 8 महीने 9 महीने
1 साल 2 साल 5 साल 10 साल से केवल फल ही खा रहे हैं, और वो सब सही है, जिंदा है, खुश है, ठीक है। कुछ ना कुछ होता भी है तो वो मोमेंट्री होता है और उसके बाद खत्म हो जाता है उसी वक्त। हम कुछ कैरी ओवर नहीं करके ले जाते कि आज एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ, हाँ ये हुआ ये हुआ, बस दैट्स ओवर। उसके बाद हम उसको नहीं सोचते, उसकी वजह से डिप्रेस नहीं होते। हमारा जो हेल्थ है, हैप्पीनेस है, जो बीमारियां थी वो सब दूर हो चुकी हैं, ठीक है। तो आपको करके देखना होगा, करके तो देखो, लिखा ही हुआ है आपको, एक्सपीरियंस करके देखना है आपको। यू हैव टू एक्सपीरियंस इट योर सेल्फ एंड देन यू हैव टू डिसाइड कि आगे आपको कैसे कंटिन्यू करना है अपनी लाइफ, वापस उन चीजों में जाके जो आपके अनहैप्पीनेस का, आपके बीमारियों का, आपके बैड हेल्थ का कारण बनी थी, या आपको ये लाइफ बेटर लगती है। यू विल बी डिसाइडिंग। वी कैन जस्ट सपोर्ट, वी कैन जस्ट गाइड, वी कैन जस्ट गिव यू इंफॉर्मेशन एंड ऑल। नेक्स्ट, सो यू आर नॉट गोइंग टू लॉस एनीथिंग। इसमें आपका कुछ भी खोने वाला नहीं है, आप सिर्फ पाने ही वाले हो और सेव करने वाले हो, सेव करने वाले हो अपने पैसे, राइट, अपनी हेल्थ, हैप्पीनेस। और ये एक फैक्ट है जो हम सबने एक्सपीरियंस किया है, जितने भी लोग काफी दिनों से कर रहे हैं सबने एक्सपीरियंस किया है इसको। वो एक्सपीरियंस शेयरिंग हम कर भी चुके हैं बहुत बार, हर बार मीटिंग में वही 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 बातें बोलते जाते हैं, राइट। इतने सारे लोग खुद से वीडियोस बना रहे हैं, भेज रहे हैं कि हमने इतने दिन किया तो हमें इतना अच्छा फील हो रहा है। यू ऑल कैन गो टू द ईट फ्रूट्स एंड हील चैनल और गौरव गोयल सर चैनल ऑफ यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक। आप जाके देखो, सर्च करो, समझो, आपको सब पता चलेगा। ठीक है, थैंक यू अंजलि। यू कैन, मैम, दूसरे फ्रूट में कितना गैप होना चाहिए लेने से पहले? हाँ अभी मैं क्वेश्चंस लेती हूँ। एक फल से दूसरे फल के बीच में आप आधा घंटा रख सकते हो। दिस इज अ मिनिमम गैप। हाँ, दिस इज द मिनिमम गैप। ओके, इफ यू विल फील, इफ यू विल ईट विद फुलनेस, आप पूरी हंगर के साथ खाओगे, अच्छे से खाओगे, तो आपको हाँ भूख जी लगेगी नहीं जल्दी ऑटोमेटिकली। मैम। नहीं, जैसे बनानास खाते हैं, कितने बनानास खा लेंगे हम एट ए टाइम, तो इसलिए लगता है कि दूसरा आप भी कुछ पहले ले लें। जो भी बोल रहा है थोड़ा सा आप इंट्रोड्यूस करोगे, आपका नाम क्या है, या आप कैमरा ऑन कर सकते हो? यस मैम, यस यस, हाँ तो प्लीज जस्ट अ कैमरा ऑन। मिनट मैम। हाँ जी हाँ जी मैम, आई एम सीमा मित्तल। अच्छा, सीमा मित्तल जी बोल रहे हैं, ठीक हाँ जी हाँ जी है। हाँ तो गैप आधा घंटे का होना चाहिए। दूसरा सवाल क्या था आपका? मैम, जैसे एप्पल वो बनानास ले लिए, ज्यादा नहीं खाना चाहते कि क्योंकि ओवर वेट भी है, तो इसलिए फिर दूसरा फ्रूट साथ में ऐड हो जाता है जैसे। हाँ हाँ तो दूसरे फ्रूट्स खाइए, बनाना मत खाइए, नहीं मन हो रहा है कि, मीठा भी खाने का मन करता है। तो मीठे तो फल मीठे ही तो होते, कड़वे थोड़े होते। कड़वे नहीं होते मैम, सार भी होते हैं, समटाइम्स टेस्टलेस भी होते हैं, ऐसी बात है। नहीं तो सार और टेस्टलेस वाले रख लीजिए, उनको स्किन पे लगाने में यूज करिएगा, ठीक है मैम, उसको यूज खाने की आप जरूरत क्या है, ठीक हम लोग तो यही करते हैं। है। और मैम, आप हेयर वॉश किससे करते हैं? हेयर वॉश आंवला, रीठा, शिका काई, इन शिका सब का है, चीजों ओके। उसका भी पानी आप गर्म नहीं करते? से। नहीं, उसका तो बहुत कुछ करना ही पड़ेगा, तो जैसे भी है तो आप करो, हाँ, कर सकते हैं ना, दैट्स थिंग। बट है ठीक तो है, वो मतलब फल से ही आ रहा है ना, आंवला तो फल ही है। आंवला आप हाँ ले भी जी सकते हो, ठीक है। और हाँ जी नॉर्मली अगर आप पानी से वॉश कर रहे हो, कोकोनट वाटर वगैरह अप्लाई कर रहे हो, ऑरेंज को अप्लाई कर रहे हो, तो भी बहुत अच्छे होते हैं बाल, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है, थैंक चलिए ठीक है, थैंक यू। अब हम यू दूसरी मैम, तरफ, थैंक यू थैंक यू। रतन जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? आप
यस मैडम, थैंक यू यस थैंक यू. तो आई स्टार्टेड द फ्रूट फास्टिंग ऑन 22 मार्च, वो जो नवरात्रि स्टार्ट हुआ था तब से मैं कर रहा हूँ. और मेरा फीडबैक देना था, और आई जस्ट वांट टू शेयर फीडबैक कि जो भी है इधर, उन्होंने ट्राई नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई करने के लिए. मेरा जो एक्सपीरियंस है कि आई स्टॉप काउंटिंग द डेज, आई एम जस्ट टेकिंग वन डे एट ए टाइम. सो इन द पास्ट वॉट एवर डेज माई एनर्जी लेवल्स हैज़ डेफिनेटली इंक्रीज्ड. और वेट जो है, आई हैव सीन मेनी पीपल वो ये करते हैं कि वेट रिड्यूस हो जाए. मेरा तो फिजिकल वेट उतना ज़्यादा नहीं गया, मे बी 500 ग्राम्स और मे बी 1 किलो, बट द मेजर इम्पैक्ट आई हैड वॉज ऑन द स्ट्रेस लेवल्स. सो आई वुड से माई मेंटल एंड इमोशनल डिटॉक्स इज मोर देन 50 किलोस इज गॉन. सो आई यूज टू कैरी लॉट ऑफ स्ट्रेस, लॉट ऑफ एंगर एट होम, फाइटिंग विद पीपल एक्सेट्रा. सो ऑल दोज आर मिराकुलसली गॉन. सो फॉर मी दैट वॉज द बिगेस्ट पॉइंट, एंड आई नेवर एक्सपेक्टेड बाई डूइंग समथिंग लाइक दिस द इम्पैक्ट वुड बी ऑन दैट, ऑन द इमोशनल एंड इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग. और नाउ द फ्रेम ऑफ माइंड इज सच कि अर्लियर वेर एवर आई यूज टू गेट पिस्ड ऑफ, वेर आई यूज टू गेट एंग्री ऑन पीपल अराउंड यू नॉट ट्राइंग टू डू एज पर योर नीड, आई डोंट इवन केयर, यू नो, इट्स काइंड ऑफ इट्स ओके, लेट देम डू, बट इट डजेंट ट्रिगर एनीथिंग इन साइड ऑफ मी, एंड दिस इज वॉट आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर. क्योंकि अगर अंदर इतना शांति हो, इतना पीस हो, तो बाहर का जो भी है इट विल नॉट अफेक्ट यू. आई वॉज एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड दैट विद फॉर दैट. एंड जो योगा वो स्टार्ट हो गया था, आई स्टार्टेड डूइंग विद नेहा जी, एंड दैट इज वेरी वेरी गुड. आई कैन सी ग्रेटर लेवल्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, एंड आई वॉज नॉट एबल टू डू ऑल द आसनास बिफोर बिकॉज आई हैड इंटेस्टाइन इश्यू, बट नाउ माई बॉडी स्टॉप्ड क्राइंग, स्टॉप्ड शोइंग मी पेन इन द इंटेस्टाइन. सो आई वॉज एबल टू डू योगा बेटर देन बिफोर. I would say this is the best. Even though I had done juice fasting before, it was slightly difficult then. With fruit feasting, it is kind of easy. It has become easy to continue. Initially, I struggled for a few days, you know, because of stomach being empty is not a state that we are used to naturally. We feel that stomach has to be full always, but with fruits, you have frequent periods where the stomach is empty. And when you know that when you start doing physical work, your energy is increased. Then we are able to relate those two. So for me, another incident was that yesterday I'm part of a pranic healing group. हम लोग फुल मून को अक्सर मेडिटेट करते हैं. तो मैंने होस्ट को बताया दिया कि आई एम ओनली ऑन फ्रूट्स, आई डोंट ईट एनीथिंग एल्स. सो आई अपोलोजाइज, आई नॉट बी ईटिंग एनीथिंग एल्स दैट यू कुक. सो उन्होंने समझा कि बहुत सारी वेराइटीज का फ्रूट्स लाना है, तो दे बॉट 6 वेराइटीज ऑफ फ्रूट्स. देर आर अनदर 10 पार्टिसिपेंट्स, एंड ऑल ऑफ देम एंडेड अप ईटिंग फ्रूट्स बिकॉज ऑफ मी. सो आई ऑल्सो कैरी लॉट ऑफ फ्रूट्स देयर, एंड वो लोग समझते थे कि ये स्टार्टर है, बस फ्रूट्स का के ये बाद में कुछ और खाएगा. तो मेडिटेशन के बाद उन्होंने पुलाव वगैरह कुछ बनाया था, मैंने छुआ तक नहीं हो सकी. तो देन दो तीन बंदे थे उधर, दो जो बोल रहे थे क्यों ये स्टार्ट किया. तो मैंने बता दिया कि थोड़ा हेल्थ इश्यू है, लेकिन मुझे ट्राई करना था. लेकिन एक दो इंस्पायर हो गया, और हमारा जो बेस्ट फुल मून है वो लास्ट नेक्स्ट मंथ को है. तो उनको आइडिया आ गया कि हम भी कुछ कुछ ना कुछ ट्राई करना पड़ेगा, तो बॉडी डिटॉक्स हो सकता है ऐसे. तो फाइनली आई वुड से इफ एनीबडी हैज एनी काइंड ऑफ इश्यूज, इट कुड बी इमोशनल, कुड बी मेंटल और फिजिकल, प्लीज गिव इट ए ट्राई. एंड बिकॉज ऑफ यू गाइस एंड ऑल दिस कॉल्स दैट यू डू एवरी डे, जो इंस्पिरेशन है, समटाइम्स यू गो डाउन एंड यू फील लाइक व्हाट द हेल एम आई डूइंग बिकॉज यू आर डूइंग अलोन एट होम. देन यू फील द अदर्स आर ईटिंग समथिंग एल्स एंड वाई एम आई डूइंग दिस, बट बिकॉज ऑफ यू पीपल एंड दिस कॉल्स there is constant inspiration and support. So I would like to thank all of you people, and Gaurav sir also for the wonderful way of living life. So thank you.
यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल शेयरिंग एंड आपके अंदर वो यू हैव गॉट दैट पॉजिटिव एनर्जी यू नो विच हैज मेड पीपल अराउंड यू टू ईट फ्रूट्स विदाउट इवन saying something, right? Just by saying that I will be eating foods. That's great. Yes, thank you. Okay. Anyone else wants to share something? Mona, Lisa, Jine, unmute kiya. Mona, Lisa ji, aap kuch bolna chahte ho kya? नहीं बोलना चाहते। निधि जी आप कुछ बोलना चाह रही है ना? निधि जी को अनम्यूट कर दो, स्पॉटलाइट कर दो। हेलो एवरीवन। हेलो हेलो मैम, आज क्या नाम है, आज मैं अपने एक पड़ोसी के यहाँ गई थी, तो उन्होंने मेरे को पहले तो नीचे ही मुझे कहा कि आपको क्या हो गया, आपने तो वेट बहुत रिड्यूस कर लिया। मैंने कहा हाँ, फिर मैंने नीचे तो खैर उन्हें नहीं बताया, फिर वो कहने लगे कि घर पे आना। मैं घर गई उनके, तो उन्होंने मेरे को कहा कि कैसे आपने इतना, मतलब आप तो बड़ी फिट लग रही हो, बड़ा वेट रिड्यूस कर लिया। मैंने कहा हाँ, मेरा 4.5 किलो वेट रिड्यूस हुआ है। फिर वो कहने लगे क्या करा, फिर मैंने बताया उन्हें, मैंने कहा फ्रूट्स, मैं फ्रूट्स खा रही हूँ आजकल, तो कह रही कि फ्रूट्स, खाली फ्रूट्स। मैंने कहा हाँ फ्रूट्स, बस ओनली फ्रूट्स, बट पेट भर के फ्रूट्स खा रहे हैं, खाना है। कह रही कि इससे तो फिर आप देख लेना, आप में कमजोरी ना आ जाए, कुछ ना आ जाए। मैंने कहा यही क्वेश्चंस मेरे थे पहले, लेकिन इसमें कोई कमजोरी नहीं आती, कुछ नहीं आता। और फिर मैंने उनको डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताया। चक्कर क्या है मैम, किसी को पता ही नहीं है, हमें भी नहीं पता था, अब आगे हम जब बताते हैं तो उन्हें भी नहीं पता होता कि ये कितना, मतलब वो कह रहे अरे हमें तो पता है, ये तो हमने हमने कभी सोचा ही नहीं कि इतना ज्यादा मतलब खतरनाक है ये सब चीजें लेनी। मैंने कहा ये एक तरीके से जहर है, हम अपने बच्चों को जहर दे रहे हैं, खुद भी जहर ही पी रहे हैं, तो मैंने कहा ये पॉइजन को अब हटाना ही पड़ेगा। तो वो तो मैम एग्री हो गए बिल्कुल, कह रहे बस मैं तो अब शाम से ही फ्रूट्स खाना शुरू कर दूंगा, मैं नहीं खाऊंगा अब ये खाना वाना। तो मतलब किसी किसी को तो इतनी थोड़ी बात में ही समझ में आ जाता है, और किसी किसी को समझा समझा के भी नहीं समझ में आता। तो हेलो, हाँ सब अपने अपने जो है ना पास्ट कर्म भोग रहे हैं, जैसे सर बोलते हैं ना, तो मैं सर की बात बोल रही हूँ कि सबका टाइम आएगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको दूसरा जन्म लेना पड़ता है किसी और रूप में, हाँ, तब उनको समझ में आता है। तब समझ में आता है, हमारे घर में ही अभी नहीं समझ रहे तो वो ये अब दूसरा बंदा समझ गया, वो ये जैसे हमें एक क्लिक हुआ तो वो एकदम से समझ में आ गया। किसी को बस बताने की देर होती है तो वो समझ में आ जाता है, कह रहे मैं तो आज शाम से ही फ्रूट्स खाना शुरू कर दूंगा। फिर मैंने आपका लिंक भी भेज दिया था उनको, मैंने कहा आप सेशन अटेंड करना, मैंने कहा सारी जो क्वेश्चंस है वो सारे आपके आंसर्स उसमें ही मिल जाएंगे, और मैंने कहा आपको कुछ पूछना हो पूछना। तो वो ये कि धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट करी है, क्योंकि लोगों को बताना शुरू किया है, क्योंकि अब लगता है कि इसमें तो सबका ही हाथ है ना, तो अवेयरनेस तो बहुत जरूरी है। अब हम नहीं बता, हमें पता चला है तो हमें तो हम बताएंगे तभी दूसरों को पता चलेगा। तो बिल्कुल, वो ये कि स्टार्ट तो कर दिया है मैम, अब जहां भी जाती हूँ मैं तो यही बताती हूँ, तो बढ़िया। मतलब 10 को आपने पूरा बताएंगे सेशन कोई दो तो देखा? आएगा, हाँ आपने 10 को पूरा सेशन बताएंगे। देखा था? हाँ सारा पूरा देखा है मैंने, पूरा ठीक है, देखा बढ़िया। है। मैं तो मैम वैसे भी पता है मैं ना तो हर बार मैं ये जोत वोत जलाती थी, ये सब करती थी, अब की बार तो था ही नहीं। मैंने मतलब फूड आपकी तो आपने जर्नी, बहुत अच्छे से किया है, आपने बताया ही था मुझे। हाँ मतलब कोई जोत वगैरह कुछ नहीं, मतलब वो ये अपने अंदर, जब परमात्मा हम बाहर सब जानवर में जीव में जंतु सब में देखेंगे, हमें बाहर के परमात्मा की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल सभी ईश्वर है, सभी परमात्मा है। तो वही बिल्कुल, जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना, तो फिर बाहरी पूजा की जरूरत ही नहीं पड़ती है। सही बात है। वो तो बस वो था कि हाँ जब तक हमें नॉलेज नहीं थी तब तक कर रहे थे, बाकी अवेयरनेस तो मैम जो मिल रहा है उसको हम मैं बताती ही बताती हूँ।
क्योंकि 10 को बताएंगे कोई दो तो आएगा ना, ये बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कर रही हैं। आपका भी कर्म सुधर रहा है, अभी तक जो थोड़ी बहुत कुछ गलतियां हुई होंगी, सभी से होती हैं। मैंने भी बहुत सभी सारी से सही गलतियां की हैं, ऐसा नहीं है कि हम बहुत साफ सुथरे थे, सभी बात करते है, हैं। अनजाने में गलतियां हो रही थी और हम सोच रहे थे हम नॉन वेजिटेरियन है, अब ये पता चलता है कि कैसे नॉन वेजिटेरियन थे हम। वही बात है। तो अब आप जो चाहेंगी ना, आप देखेंगी ना धीरे 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 घर में भी जो आप चाह रही हैं, आपको थोड़ा सा मतलब ये है कि घर में नहीं समझ रहे हैं, समझ जाएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन स्लोली स्लोली उनको समझ में आना है, हाँ कोई धीरे धीरे प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा, बिल्कुल सही समझ बात में है, आ जाता है, एक दो तीन क्योंकि तब महीने तक लगेंगे इंसान आ बचेगा हमारी जाएगा। पॉजिटिविटी से। हाँ, चलो पॉजिटिविटी से पॉजिटिव एनर्जी जाएगी तो बिल्कुल आ ही जाएगा। बढ़िया, वेरी गुड, ओके, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है, फिर किसी और का कुछ प्रश्न है या क्वेश्चन है या कोई शेयरिंग करना चाह रहा है? मिलिंड एस का क्वेश्चन है कि अच्छा, तो ले लो उनका कैंसर क्वेश्चन। पेशेंट कर सकते हैं क्या टूथ फीस्टिंग, केमो चल रहा है, सो मिलिंड जी कम अप एंड स्पीक अप। ओके हाँ हाँ यू कैन स्टार्ट योर वीडियो लेटर, नो प्रॉब्लम। हेलो। हाँ जी बोलिए हाँ मैडम। हाँ मैडम, ओवरी कैंसर पेशेंट है, लेडीज है ना, तो कीमो चल रहा है अभी, तो वो भी फास्टिंग कर सकती है क्या? हाँ बिल्कुल कर सकती हैं, फास्टिंग नहीं करना है, फ्रूट्स ही खाना है, हेलो, फ्रूट्स फ्रूट्स हाँ फ्रूट्स फास्टिंग, बिल्कुल बिल्कुल कर सकती हैं, 100% कर सकती हैं। यानी बाकी यानी जो कीमो चल रहा है तो उससे कुछ बॉडी विस्टैंड तो होगा ना देखिए में? अच्छा, कीमो कीमो जो चल रहा है ना, तो कीमो इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ कैंसर, ठीक ओके है। ओके, कीमो से आप सिर्फ एक जगह को जला करके और वहां से उस सेल को मार दे रहे हो, हाँ, बट हमें तो नहीं पता ना कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे फैला हुआ है, हर जगह का तो जी टेस्ट हमने कराया नहीं। तो आप जब फ्रूट्स खाना शुरू करोगे ना, हाँ, जब फ्रूट्स दोगे आप, तो फिर अंदर से शरीर हील करेगा। मतलब फल भी हम इसलिए नहीं खा रहे हैं कि फल कुछ काम कर रहे हैं, शरीर की खुद की केपेबिलिटी है, शरीर खुद से ही खुद को ठीक करता है, बॉडी हील्स ऑन इट्स ओन, वी जस्ट हैव टू गेट आउट ऑफ द वे। हमें इंटरफेरेंस बंद कर देना चाहिए जो दवाइयों का, सप्लीमेंट का, कीमो का, जो भी हम करते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने अपना कैंसर रिवर्स किया है और आज वो 75, 75, 70+ हो गए हैं, एंड दे आर रनिंग मैराथन्स जो फल खा रहे हैं सिर्फ, ओके मैडम, ठीक है। ओके ओके, ट्राई करेंगे हम, धन्यवाद बिल्कुल ट्राई करो, मैडम। ओके। एनीबडी एल्स हैज एनी क्वेश्चन, दे कैन कम अप एंड आस्क। आई थिंक नो वन हैज क्वेश्चन, सो वी कैन एंड द सेशन नाउ, राइट? ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोग ज्वाइन करते रहिएगा और प्लेज लेके फल खाना शुरू कर दीजिए, असर जल्दी होगा और अच्छे से होगा, ठीक है? थैंक यू सो मच।